Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to the Shiva Institute of Advanced Mobile Laptop LCD LED Repairing. दोस्तों आज मेरे पास एक अडेप्टर आया है जो कि सोनी का है और ये ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि ये खराब हो गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे रिपेयर करना है, यानी कि जितने भी असम पे सप्लाई होता है लगभग उसी तरीके से इसको भी रिपेयर करना होता है। और इसका मैंने बॉक्स खोल दिया है और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो एक्चुअल कंडीशन है। पहले मैं आप देखेंगे, मैंने आपको बताया हर वीडियो में कि जब भी आप सप्लाई रिपेयर करते हैं तो आप उसको हमेशा सीरीज से चेक करें। देखेंगे मेरी सीरीज की वायर है, जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ बल्ब जल जाता है। इसका बेनिफिट यह है कि अगर सप्लाई में कोई शॉर्टिंग है तो आपके घर की एमसीबी ट्रिप नहीं होगी और बार बार आपको एमसीबी को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सीरीज वायर का यूज करते हैं तो आप सप्लाई अगर शॉर्ट भी है तो आपका बल्ब जल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सप्लाई शॉर्ट है, है ना। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इस सप्लाई को सबसे पहले मैं पावर कनेक्ट करूंगा। तो जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं इसको पावर कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, देख सकते हैं हमारा एक फ्यूज लगा हुआ है। और मैं ये वायर को यहाँ से कनेक्ट न करके यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है। इसका मतलब इसमें शॉर्टिंग है हमारी, और शॉर्टिंग होने की वजह से हमारा जो फ्यूज है वो उड़ गया है। आपको मैं दिखाऊंगा कि देखेंगे ये अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप देखेंगे एक वायर जो है हमारी इस कनेक्टर की यहाँ पे आ रही जो कि फ्यूज के पास में लगी है, और एक वायर हमारी यहाँ पे ग्रीन वाली यहाँ लगी है। तो आप देखेंगे मैं एक तार यहाँ पे पकड़ लेता हूँ और दूसरी तार यहाँ पे, और फ्यूज के पार लगाने पे मुझे फुल शॉर्टिंग मिल रही है। इसका मतलब है कि मेरा फ्यूज शॉर्टिंग होने की वजह से ओपन हो गया है। और आप ये देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग समझा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज लगा हुआ है पैरेलल में एसी की लाइन में। और मैं पहले शील्ड खोल लेता हूँ और शील्ड खोलने के बाद आपको ज्यादा दिखेगा इसमें क्या क्या चीज लगी हुई है। तो कोई सी भी सप्लाई जब रिपेयर करने आते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की होती है। आप देखेंगे यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है और यहाँ पे एक चोक कॉइल लगी हुई है यहाँ पे, और एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा, और एक कॉइल और लगी है यहाँ पे, एक एनटीसी लगा हुआ है हमारा, तो और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि एसी इसको दी जाती है ब्रिज रेक्टिफायर को, और उसके बाद उसके आउटपुट से हमें डीसी मिलती है, और फिर मेन कैपेसिटर में 350 वोल्ट हमें मिलती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कॉइल लगी है यहाँ पे, ये चोक कॉइल की तरह काम कर रही है, ट्रांसफार्मर नहीं है। इसमें भी दो कॉइल है, जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, लेकिन इसमें क्या होती है हमारी जो कॉइल है सीरीज में लगाई गई है। तो आप देखेंगे यहाँ से होके यहाँ आएगी, यहाँ से होके यहाँ आएगी, और ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के चार पोल बीच वाले एसी के हैं और साइड वाले हमारे डीसी के हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं डायरेक्ट बीच में देता हूँ और देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है शॉर्टिंग आ रही है। तो देखेंगे यहाँ पे मुझे शॉर्टिंग मिल रही है ब्रिज रेक्टिफायर में, जो एसी के पोल है वहां पे मुझे शॉर्टिंग मिल रही है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग होने का कारण ये हो सकता है, या तो हमारी एसी लाइन शॉर्ट है या फिर डीसी वाली लाइन शॉर्ट है। अगर डीसी वाली लाइन शॉर्ट होती है तो हो सकता है हमारा जो पहली कंडीशन है, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो, दोनों ही कंडीशन में ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो सकता है हमारा, जो कि ये लगा हुआ है। और दूसरी कंडीशन में जो इसमें एसटीआर लगा होता है, ये वाला तीन टांग का एसटीआर, ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये तो हम चेक करके पता लगाएंगे, और मैं मल्टीमीटर से देखता हूँ कि क्या मुझे इसमें कोई शॉर्टिंग मिल रही है। तो मैं मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे रखूंगा और सबसे पहले मैं एसी की लाइन में कंटिन्यूटी चेक करूंगा। तो देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ऐसी कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है, और 280 के आसपास मुझे वैल्यू मिल रही है। और मैं पलट के लगाता हूँ तो पलट के भी मुझे 286 समथिंग मिल रही है, और आउटपुट में भी मैं देखूंगा कि मुझे ऐसा कोई कंटिन्यूटी तो नहीं मिल रही है। यानी कि इनपुट एसी में और आउटपुट डीसी में मुझे ऐसी कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है, फिर भी मेरे को यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही है। देखता हूँ, दिखाऊंगा मैं आपको दोबारा प्लग करके एसी लगाता हूँ, क्योंकि जब तक ये बल्ब बुझेगा नहीं, यानी कि शॉर्टिंग है बोर्ड में। तो अभी मैं इसको पता लगाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ से जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद मैं ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करूंगा कि क्या ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर खराब तो नहीं हो गया। एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं, वो ये है कि जैसे कि अभी मैंने इसके एसी वाली लाइन को चेक किया, अब एसी से डीसी को भी चेक कर लूं क्या ये ऐसे शॉर्ट तो नहीं है। ऐसे भी शॉर्टिंग नहीं है, देखिए मीटर काम कर रहा है, लेकिन ना तो ये एसी और डीसी वाले पोल शॉर्ट दिखा रहे हैं, ना एसी एसी वाला पोल शॉर्ट दिखा रहा है, ना ही डीसी डीसी वाला शॉर्ट दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, ब्रिज रेक्टिफायर को रिमूव करूंगा और उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स लगा लूंगा ब्रिज रेक्टिफायर को निकालने के लिए, और आयरन की मदद से और एक ब्रश की मदद से ब्रिज रेक्टिफायर को मैं रिमूव कर लूंगा। तो इसको रिमूव करने के लिए
ब्रश की मदद से आप इस तरीके से इसको साफ करें। और दोस्तों रिपेयरिंग सीखने के लिए आप दुर्गा सिटी सेंटर हल्द्वानी में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे चिप लेवल का लैपटॉप रिपेयरिंग और प्रिंटर रिपेयरिंग और आपके सप्लाई रिपेयरिंग का कोर्स चलाते हैं। और यहाँ पे हम आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे जिसके अंदर आप अपना टेक्निकल स्किल मतलब हाथ का हुनर सीख सकते हैं, जिससे आप अपना रोजगार अच्छे से कमा सकते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से मैं इसको सफाई कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर निकल जाएगा। तो ये करने के बाद ब्रिज रेक्टिफायर को यहाँ से मैं ट्वीजर ले लूंगा और थोड़ा सा मैं पुश करूंगा, देखता हूँ कि क्या निकल रहा है, बाहर को खींचूंगा। ये देख सकते हैं मेरा ब्रिज रेक्टिफायर निकल गया है। और अब मैं दोबारा से इसमें एसी कनेक्ट करूंगा बीच वाले पोल में। अगर यहाँ पे बल्ब जल जाता है तो मेरा ब्रिज रेक्टिफायर खराब है, मैं यहाँ पे नया डाल दूंगा। और आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो मुझे ऐसी कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि आपको पता ही है ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मैं इनको सोल्ड करके मैं डीसी भी चेक कर लेता हूँ आपके हाथ। हालांकि शॉर्टिंग होती है तो भी बल्ब इसमें जल जाता है, देख सकते हैं मैं जब डायरेक्ट लगा रहा हूँ तो बल्ब जल रहा है मेरा, और जब मैं इसके दोनों पोल पे लगा रहा हूँ तो बल्ब नहीं जल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके आउटपुट पे डीसी वोल्ट चेक करूंगा और मल्टीमीटर को मैं रख लेता हूँ डीसी 400 वोल्ट पे। और अब मैं इसके आउटपुट पे चेक करूंगा कि मुझे आउटपुट पे कितनी वोल्ट मेजर हो रही है। तो देखेंगे मैंने डीसी पे रख लिया, यहाँ पे मुझे 212 के आसपास डीसी वोल्ट मिल रही है और माइनस का निशान आ रहा है। तो मैं तार को पलट लेता हूँ, आप देखेंगे जो इसमें कट का निशान होता है ब्रिज रेक्टिफायर में वो प्लस का निशान होता है। तो अब मैंने प्लस को प्लस में माइनस को माइनस में रख दिया तो मुझे 213 वोल्ट डीसी में मिल रहा है। इसका मतलब ब्रिज रेक्टिफायर तो मेरा ठीक है, यानी कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। और अगर आप देखना चाहें एसी कितनी आ रही है तो मैं अब इसको एसी पे रख लेता हूँ, एसी रेंज पे। और अब मैं बीच वाली तार को मेजर करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे 220 वोल्टेज मुझे समथिंग मिल रही है, देख सकते हैं यहाँ 220 वोल्ट मिल रही है मेरे को। और अगर मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो देखेंगे बल्ब जल रहा है। 220 को मैं जब शॉर्ट कर रहा हूँ तो क्योंकि ये सीरीज में है इसीलिए मेरा बल्ब जल रहा है ना। तो इसका मतलब है एसी इनपुट हुआ 220 और आउटपुट हमें 216-17 के आसपास वोल्टेज मिला। जब हम इसके डीसी में यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव में कैपेसिटर लगा देते हैं 450 वोल्ट का 68 MFD का, तो ये 350 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं अब इसको यहां से रिमूव कर लूंगा। और रिमूव करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसके जो बीच वाली लाइन है यानी कि मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही थी तो मैं दोबारा इसमें जहाँ पे एसी आ रही थी वहीं पे प्लग करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे एसी वाली लाइन में शॉर्टिंग है। पर ये मल्टीमीटर के द्वारा मुझे बीप भी नहीं दे रहा है, देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मुझे बीप देना चाहिए इसे, लेकिन ये मुझे बीप नहीं दे रहा है। तो अब मैं देखूंगा कि ऐसी क्या चीज इसमें फॉल्टी है जिसके वजह से हमारा ये लाइन शॉर्ट हो रहा है। तो मैं ऐसे कंपोनेंट को देखूंगा जो इसके पैरेलल में लगे हैं, जो सीरीज में लगे हैं वो तो शॉर्ट नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे न्यूट्रल और फेस की लाइन में पैरेलल में कंपोनेंट लगे हैं उनको चेक करूंगा, उनको रिमूव करके चेक करूंगा कि शॉर्टिंग कहाँ से है। तो देखेंगे यहाँ पे जो कॉइल लगी है ट्रांसफार्मर वाली वो तो सीरीज में लगी है, इसके बाद इसके पैरेलल में लगने वाला कंपोनेंट मैं देखूंगा। यहाँ पे मुझे दो आइटम देख रहे हैं, एक यहाँ पे कैपेसिटर तो दिख ही रहा है, मैं यहाँ पे इस कैपेसिटर को रिमूव करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये कैपेसिटर हमारे पैरेलल में लगा हुआ है और मैं इसकी एक लेग को फ्री कर लेता हूं और यहां पे भी दूसरी लेग है। देख सकते हैं मैंने कैपेसिटर निकाल दिया है यहां पे से। और अब मैं दोबारा से इसमें एसी को प्लग करूंगा और देखते हैं क्या होता है, अभी भी शॉर्टिंग आ रही है। तो इसका मतलब है इसमें और भी कोई कंपोनेंट हमारा पैरेलल में लगा हुआ है, उसको हम टेस्ट करेंगे। तो पैरेलल में लगने वाले तो कॉइल लग गई है और ये यहाँ पे हमारा एक जो ये लगा हुआ है ये पीला वाला, ये भी हमारा पैरेलल में लगा हुआ है, इसको मैं रिमूव करूंगा और देखते हैं क्या होता है। ये सब प्रोटेक्शन के लिए होते हैं और ये मैंने निकाल दिया है बाहर। देखने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये खराब हो, देख सकते हैं आप। और जब मैं इसमें अब दोबारा एसी प्लग करता हूं तो देखेंगे अब मेरी शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पे, यानी कि हमारी शॉर्टिंग निकल गई है। और अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पहले तो मैं ब्रिज रेक्टिफायर को लगा लेता हूँ और आप देखेंगे ये पैरेलल में लगा था, इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है अमूमन जब शॉर्टिंग होती है तो हमें कंटिन्यूटी मिलती है मल्टीमीटर पे, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिली, आप देखेंगे ये फुल शॉर्ट है। और मैं मल्टीमीटर से भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि अमूमन जब भी शॉर्टिंग होती है तो मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी तो आती है,
पर यहाँ पे तो हमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिली, देख सकते हैं ये हमें कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। लेकिन यानी कि लीकेज कंडीशन में यहाँ पे 280 के आसपास आ रहा है वैल्यू, और दोनों साइड से मैं चेक कर रहा हूँ तो समथिंग उतना ही आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, ब्रिज रेक्टिफायर को लगा देता हूँ। और मैंने जैसे बताया था जो कट का निशान होता है वो प्लस का होता है, तो बॉटम में हम देखेंगे प्लस का निशान दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो मैं प्लस को प्लस में देख के ही लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उल्टा लगा दूंगा तो फिर मेरा सर्किट काम नहीं करेगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, ये मैंने लगा दिया है। और अब मैं यहाँ पे इसकी सोल्डरिंग कर दूंगा ब्रिज रेक्टिफायर की। और सोल्डरिंग करने के बाद जो फ्यूज मेरा ओपन था उसको भी लगाऊंगा, और जो मैंने पैरेलल में एक कैपेसिटर था निकाला मैं उसको भी लगाऊंगा। इनको मैं अच्छे से लगा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे चला गया है। तो देख सकते हैं मैंने ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया है, और यहां से जो कैपेसिटर निकाला था मैंने ये भी पैरेलल में था, मैं इसको दोबारा लगा दूंगा। ये एक्चुअल में क्या होता है, जब हमारी वोल्टेज कुछ फ्लैक्चुएट होती है तो वहां पे कंट्रोल करता है, प्रोटेक्शन देता है हमारे एडाप्टर के लिए। तो अगर मैं निकाल दूंगा तब भी मेरी लाइन तो चलेगी, लेकिन आगे की प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, तो इसलिए मैं लगा देता हूं। तो ये कैपेसिटर में प्लस माइनस नहीं होता है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको लगा सकते हैं। तो मैं यहां से इसको लगा देता हूं, देखेंगे अगर जिस कंपोनेंट का अपना प्लस माइनस होता है, एक तो उस कंपोनेंट पे निशान भी दिया होता है, मदरबोर्ड में भी कोई इंडिकेशन या कोई प्लस माइनस का दिया होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी प्लस माइनस नहीं, तो आप उसको किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो। तो इसको मैं लगा देता हूं, थोड़ा सा ये आउट हो रहा है अपने होल से, और थोड़ा सा शोल्डर भी साफ कर लेता हूं ताकि अपने नाली में ये अपने होल में आराम से बैठ सके। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पिनें आ गई हैं बाहर, और इनको मैं सोल्ड कर दूंगा। इसके बाद इसमें एक फ्यूज लगाना है मैंने, ये मैंने लगा दिया है और ये भी लगा दिया है, सही से लगाऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे जो कैपेसिटर पैरेलल में था न्यूट्रल और फेस के, वो मैंने निकाल लगा दिया है, और जो ये पैरेलल में था हमारा कैपेसिटर ये भी मैंने रिमूव कर दिया है, और इसी की वजह से हमारी शॉर्टिंग गई है। और तो जैसे कि दोस्तों आपने प्रैक्टिकली देखा कि हमारी सप्लाई किस तरीके से शॉर्ट थी और हमने चेक किया, अब मैं आपको थ्योरिकल दिखाऊंगा कि इसमें शॉर्टिंग कहाँ थी, तो आपको इसमें ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि आपने देखा कोई भी जब सप्लाई हमारे पास आती है, चाहे वो आपकी मॉनिटर की सप्लाई हो, चाहे वो अडेप्टर की सप्लाई हो, या जो भी जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, तो आज जो मैं आपको पहला प्राइमरी सेक्शन क्लियर कराऊंगा। और इसमें क्या होता है, जैसे आप देखेंगे जब एसी होती है तो जैसे आपको पता है एसी में एक न्यूट्रल का पोल होता है और एक फेज का पोल होता है। न्यूट्रल हमारी सीधी चली जाएगी और उसके ट्रैक में एक फ्यूज लगा होता है हमेशा, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और जो सिंबल है आप देख सकते हैं फ्यूज का। और इनकी लाइन में क्या होता है, एक एमओवी करके लगा दिया जाता है पैरेलल में। देखेंगे आप जो सीरीज लगाया, जो फ्यूज लगाया है वो सीरीज में लगाया गया है, और जो एमओवी लगाया गया है वो पैरेलल में लगाया है। उसके बाद इसके ट्रैक में चोक कॉइल लगाई जाती है इस तरीके से, देखने में तो ट्रांसफार्मर जैसा दिखता है लेकिन इसको चोक कॉइल बोलते हैं। इसमें भी हमारी दो कॉइलें होती हैं, पर ट्रांसफार्मर की तो कॉइल प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो कॉइल है इसको इस तरीके से सीरीज में लगाया जाता है। इसके बाद फिर से कैपेसिटर लगाया जाता है पैरेलल में। तो जब भी कभी शॉर्टिंग होती है हमारी लाइन में तो हमें पैरेलल में लगे कंपोनेंट को देखना होता है। तो आप देखेंगे इसके ट्रैक में फिर हमको ब्रिज रेक्टिफायर मिलता है, और ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। और ब्रिज रेक्टिफायर जैसे कि आपको पता है 220 वोल्ट लेगा, इसमें आप देखेंगे बीच में इस तरीके से साइन बना होगा जो इंडिकेट करता है एसी के लिए। इसके बाद इसके आउटपुट में हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल और मिलते हैं, और मैं इनको यहाँ नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है ऑलरेडी पहले से। और इसके ट्रैक में फिर से एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि पोलराइज कैपेसिटर होता है, उसका अपना प्लस माइनस होता है, और ये करीब 450 वोल्ट और 68 MFD का होता है UF का। तो यहाँ पे आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल प्राइमरी सेक्शन बता रहा हूँ आपको किसी भी SMP सप्लाई का। जब हमारे पास कोई सप्लाई आती है और
देखिए जब भी पैरलर में कोई शॉर्टिंग होगी तो ये फ्यूज तो उड़ ही जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। अब इस कंडीशन में जब भी मैं इसके फ्यूज को लगा के दोबारा सप्लाई लगाऊंगा तो मेरी एमसीबी या फ्यूज मेरा उड़ जाएगा। तो अब इसीलिए हम लोग सीरीज होल्डर का यूज करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको नहीं पता है कि सीरीज होल्डर कैसे बनाया जाता है तो मैं आपको, मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको सीरीज होल्डर कैसे बनाते हैं उसको भी मैं वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। तो आप देखेंगे अब हमारा फ्यूज उड़ गया है। तो मैंने अभी जो किया था आपके सामने, अपने सीरीज होल्डर की एक तार यहाँ लगाई और अब मेरा ये ओपन है क्योंकि यहाँ से तो सप्लाई अभी होगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया तो मेरा बल्ब जो है जल जाता है, यानी कि शॉर्टिंग मिलती है मुझे। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर को चेक किया इनपुट में और उसके डीसी के आउटपुट में भी चेक किया, मुझे यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिली मल्टीमीटर के द्वारा। लेकिन जब मैं यहाँ पे सीरीज लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे बल्ब जल रहा है। बल्ब जलने का मतलब यह है कि हमारी एसी सर्किट में इन ही नहीं हो सकती, तो इन नहीं हो सकती। अगर मुझे मल्टीमीटर के द्वारा शॉर्टिंग मिलती तो मेरे लिए थोड़ा सा काम करना आसान था, लेकिन यहाँ पे मुझे शॉर्टिंग भी नहीं मिली। तो एक ही कॉन्सेप्ट था कि जो पैलर में लगे कंपोनेंट हैं, जैसे यहाँ पे एमओबी लगा हुआ है, कैपेसिटर है, इनको जब तक रिमूव नहीं करेंगे तब तक हमें शॉर्टिंग का पता नहीं चलेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले इस ब्रिज रेक्टिफायर को डाउट की वजह से बाहर निकाल दिया। जब मैंने सर्किट से इसको बाहर निकाल दिया तो अगर यहाँ पे शॉर्टिंग चले जाती तो इसका मतलब ब्रिज रेक्टिफायर मेरा फॉल्टी था, मैं यहाँ रिप्लेस करता। अभी मैंने क्या करा, जो मेरा ब्रिज रेक्टिफायर था कुछ इस तरीके का था, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। उसमें चार पोल थे, जैसे कि मैंने बताया जो कट का निशान होता है उसका पॉजिटिव होता है और इधर वाला नेगेटिव होता है, और जो बीच वाले पोल होते हैं वहाँ पे इस तरीके के लहरदार निशान होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं आपकी एसी के लिए। तो मैंने जब यहाँ पे 220 वोल्ट दिया सीरीज का तो मेरा बल्ब नहीं जला। अगर बल्ब जल जाता तो मेरा ये ब्रिज रेक्टिफायर फॉल्टी होता, शॉर्ट होता, मैं रिप्लेस कर देता। तो यहाँ पे बल्ब नहीं जला और यहाँ पे चेक करने पे मुझे 216 के आसपास वोल्टेज डीसी में मुझे मिल गई। तो इसका मतलब मेरा ब्रिज रेक्टिफायर ओके था। मैंने दोबारा यहाँ पे जहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा था और एसी के बोलते यहाँ पे जब मैंने लाइन यहाँ पे दी तो मेरा बल्ब दोबारा से जल गया। अब मैंने क्या करा, इसके पैरेलल में लगे सबसे पहले इस कैपेसिटर को रिमूव करा और यहाँ पे दोबारा से शॉर्टिंग चेक करी, मेरे को शॉर्टिंग नहीं मिली। सीरीज से चेक करा तो भी बल्ब जल रहा था। तो जब मैंने इस एमओबी को, क्योंकि इसके बाद केवल यही ऐसा कंपोनेंट था जो पैरेलल में लगा हुआ था, न्यूट्रल फेज की लाइन में लगा हुआ था, मैंने जैसे ही इसको रिमूव कर दिया तो आप देखेंगे अब एसी फ्लो हो गई, यानी कि अब शॉर्टिंग चले गई। दोबारा मैंने ब्रिज रेक्टिफायर इसमें लगा दिया और फ्यूज को मैंने यहाँ पे लगा के जब लाइन चालू करी तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे 216 की जगह 350 वोल्ट मुझे डीसी में मिल गया। ये पहला स्टेप था मेरे लिए प्राइमरी को चेक करने का। तो इस तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको इसके आगे के सेक्शन को बताऊंगा, यानी कि एसटीआर स्विचिंग कैसे करता है और ट्रांसफार्मर से हमारी एसी वोल्ट ही पास क्यों होती है, डीसी वोल्ट क्यों नहीं पास होती है, स्विचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपने आज जाना कि 350 वोल्ट को हम कैसे बनाते हैं और इसी तरीके से हमने अपने अडैप्टर को सही करना है। तो आइए चलिए हम प्रैक्टिकल में चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं इसको सही करूंगा। शॉर्टिंग केस में आपने देखा होगा हमेशा कंटिन्यूटी आती है, पर इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ये लीकेज है। और अब मैं इसमें पहले एक बार लाइन चेक कर लेता हूँ। फ्यूज तो ओपन है जैसे कि आपको पता ही है, मैं इसके दूसरे हैंड पे देता हूँ तो देखेंगे आप हल्का सा स्पार्क हुआ और बल्ब में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ। एक पोल मैं इसमें यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लगाने के लिए मुझे फ्यूज को प्रॉपर करना पड़ेगा, तभी जाके मैं यहाँ पे पावर केबल लगा सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे वोल्टेज चेक करनी होगी, क्या मेरी वोल्टेज ओके हुई कि नहीं हुई। तो एक तार मैंने, आप देख सकते हैं, फ्यूज की वाली लाइन में यहाँ लगा दिया है। तो अब मेरा न्यूट्रल फेस तो वहां पहुंच गया है और अब मैं देखूंगा सबसे पहले 350 वोल्ट मेरी प्रॉपर हुई कि नहीं हुई। देख सकते हैं इसके ट्रैक में कैपेसिटर लगा होता है और यहाँ पे मुझे 320 वोल्ट मिल रही है। इसका मतलब हमारा प्राइमरी जो पहला स्टेप है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला क्लियर हो गया, जो कि पहले नहीं बन पा रहा था। अब मैं देखूंगा इसके आउटपुट में क्या मुझे 18 वोल्ट के आसपास मिलता है। तो देखेंगे यहाँ पे मुझे 18.5 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब अडाप्टर मेरा प्रॉपर हो गया है। और आप देखेंगे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का पोल भी मुझे पता चल जाएगा। देखते हैं दोबारा से हमें ये, तो यानी कि जो हमारे इस समय 18 वोल्ट आ रहा है और रेड वाली प्रॉप जहां पे रखी है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव वाला पोल जहां रखा है वो नेगेटिव का पोल है। अब मैं अडाप्टर के आउटपुट में भी चेक कर लेता हूं। देख सकते हैं जो हमारा साइड वाला कॉर्नर होता है नेगेटिव होता है और बीच वाला हमारा पॉजिटिव होता है। देख सकते हैं यहाँ पे 18 वोल्ट मुझे मेजर हो रही है, इसका मतलब अडाप्टर में केवल ये प्रॉब्लम थी और इसको रिप्लेस करने से हमारा अडाप्टर ओके हो गया है।
तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिगनर स्टूडेंट के लिए इस तरीके की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी अभी नया आपका फ्रेंड सीखना चाह रहा है उनको ये मेरी वीडियो आप सेंड कीजिए, जिससे वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ सीख सके। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आप उत्तराखंड से हैं या कहीं से भी हैं, अगर आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट दूर से हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो ले सकते हैं, मुझसे परचेज कर सकते हैं। और जो उत्तराखंड से हैं, जो आसपास हैं, वो मेरे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ दुर्गा सिटी सेंटर हल्द्वानी में। थैंक यू, धन्यवाद।